साडे कोल आ जाके एक ही गेम रह गई है, कुछ भी ना हाथी लिया के देना, आ बल्ला आ गया ही ते आ गेंद आ गई आ। जिवें दूसरे खेल देने तू भी खेल, सत्त गाला इनू ते तीन गाला उधरों आईया ते चार इधरों आईया। अल्लाह अकबर। खेल जायज ने, मैं ये नहीं कहता खेल, लेकिन ऐसिया खेल जड़िया अल्लाह के जिक्र तो ही गाफिल कर दे। क्रिकेट का कि मैच लगा हो ना जुमा याद रही, ना नमाजा याद रही ने साडे नौजवानों। नौजवान तो बड़ी दूर की गल है, कई मौली साहबान का हाल है। मैंने एक मौली साहब के बारे खबर मिली, आई साहब आकर मौली साहब टाइम हो गया है, साढ़े बारह हो चले ने, आप देखो पौना एक हो गया जे, आ बस आई साहब आ एक छिका वेख लेंदे हो, और जुमे तो फारग होना कह जी तुहानू भी छिका, बस अगले जुमे होर जगह इंतजाम करे आ जाए। मैं कहना आम तो आम साढ़े कई उलमा खुद अबां दा हार रहा, जे क्रिकेट अजे मुकी नहीं तो अगों हर तो ड्रामे का स्यापा पै गया। मैं एक मौली साहब की खबर देन लगा, मौली हूँ मेरा ख्याल है कि अजे महीना नहीं होया, जमात वालियां क्या बस तुम साढ़े तो तगड़े हो। कई बार नमाज ही शाह का टाइम अगे पे नमाज पढ़ा ही नहीं आते, हजरत की गल है, वह किस तरह ही इसी तरह ड्रामे की वेखन डिया। हजरत तुम ड्रामा वेंदे हो यार, ये कड़ी बुरी गल है, जिहादी तरबीयत होंगी है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, साढ़े कई बंद यही नहीं पता अर्थ को ड्रामा बला की है। अर्थ को ड्रामा सलफीयत की शारक दे उत्ते तलवार है। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम فبشرناه بغلام حليم। معزز سامعین حضرات, حافظ محمد طیب صاحب वो फरमा रहे सन कि असी इस मस्जिद के अंदर माहाना दरसे कुरान और हदीस का सिलसिला शुरू किया है। गुज़श्ता माह मुअस्सर खतीब मौलाना कारी मुहम्मद हनीफ रब्बानी साहब उन्होंने बयान फरमाया तरबीयत औलाद। मैं सोचा मैं हुन अर्ज करना उस मजमून दे मुतलका ही कि अक्सर साढ़े उलमा मुबल्लिगीन वाइजीन तरबीयत औलाद ते बड़ा जोर देंदे ने, देना चाहिए खसूसन यह जो दौर जा रहा है पुरफितन। मीडिया ने साड़ी नौजवान नस्ल नो सीधी लाइन तो कसीर तादाद विच हटा दिता है। इस दौर अंदर औलाद की तरबीयत वाले बयानात होने चाहिए ने। अल्लाह साडियां औलादा नूं मां बाप दियां फर्मा बरदार और साले बनाए। मैं हुण अर्ज करांगा कि अगर बच्चियां दी तरबीयत हो जाए, औलाद दी तरबीयत हो जाए, उदा फायदा की होएगा। मैं चंद मिसालां अर्ज करांगा शरीयत पाक चों इस्लामी तारीख चों कि जिन्ना बच्चियां दी तरबीयत होई वो बच्चे कैसे फिर हीरे बने,
तरबियत का मान है तहजीब सिखाना, मुहजब बनाना, ते तहजीब का मान है कांट छांट। दरख्त है ना एक तुसी लगाया है, उदी कांट छांट करते रहोगे दरख्त परवान चढ़ता जाएगा। जो ही दरख्त आया है एक टहनी इधर एक इधर, तुसा टहनियां कट दित्तियां, हुण उहदी पावर कुव्वत एनर्जी दाएं बाएं जाया नहीं हुई, उहदी कुव्वत ताकत एनर्जी उहदे काम आई, उहनूं उपर ले जा रही, उत्ते जाके दाएं बाएं फिर टहनियां आईयां, उहने कढ़ियां अपनी, तुसीं फिर कट दित्तियां, उह होर उपर चला गया। जदों परवान चढ़िया कांट छांट करन नाल जो असी चाहते उस मंजिल ते पहुंच गया, हुण सानू छां दे रहा अच्छी। जदों छां छावी दे रहा है सानू यदि लकड़ी की अगर जरूरत पेश आई असी कटांगे, काफ़ी लंबाई विच यदि लकड़ी साढ़े हाथ आएगी, फटे बनाइए, फर्नीचर बनाइए, बाले शतीरां दे काम आए। हुण ए तरबियत याफ्ता दरख्त साडे काम आ गया, ते जे असी इहदी तरबियत तहजीब ना करदे, शैडां ते टहणी एक इधर ए, ये झाड़ियां नहीं वेंदे, उन्हां दी कांड छांड नहीं, हालत की बनती, एक दरख्त इत्थे वे एक उत्थे वे, उधर झाड़ियां नहीं उधर ना जाई, एदी टहनी इत्थे निकली, परवान नहीं चढ़दे, ऊंचाई घटे, उत्थे खिलर खुलर गए, लकड़ी भी कम दी नहीं निकली, किस काम आया, वड़िया टुकिया बालन दे काम आया। बच्चियां दी कांड छांट, जिथे कोई बुरी हरकत करे उन्हें टोकना है, अच्छी आदत बनानी है, कांड छांड इनू कहते ने तरबियत। ते जिन्होंने कांड छांड कर ली वो फिर औलाद कैसी निकली, आओ मैं चंद मिसालां तुहाडे सामने पेश करा। जनाबे इब्राहिम खलील उर रहमान अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने बुढ़ापे अंदर बेटा अता फरमाया, अकलौता बेटा, जिन्हों का नाम उन्हें रखिया शमाईल, अबरानी जबान का लफ्ज है शमाईल। जदों इनू अरबी अंदर कन्वर्ट करांगे फिर दा माना बनेगा इस्माईल। शमाईल का मान है अल्लाह ने सुन लई, बुढ़े वेले अल्लाह ने सुन लई, अल्लाह ने पुत्र देता बुढ़ापे च, अरबी कन्वर्ट होया, नाम बन गया इस्माईल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ना, जदों अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अनहा नूं मौके मौके ते अल्लाह पाक ने तीन बेटे अता फरमाए, हसन हुसैन मुहसिन रजी अल्लाह ताला अनहुम। ते नबी अलैहिस्सलाम नूं खबर मिलती रही, आप गए की नाम रखिया मेरे बेटे का, जी एदा नाम रखिया हरब, फरमाया नहीं एदा नाम है हसन। फिर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, आप तशरीफ ले आए, की नाम रखे है, जी हरब, फरमाया नहीं एदा नाम हुसैन। फिर अल्लाह ने बेटा दिता, की नाम रखे है, जी हरब, हरब दा मना लड़ाई, आपने फरमाया नहीं एदा नाम हुसैन। फिर आपने फरमाया मैं इन अपने बच्चियां दे नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम दे
बच्चियां दे नाम ते नाम रखे। हारून अलैहिस्सलाम दे तीन बेटियां दा नाम शब्बर शबीर मुशब्बर। जदों शब्बर ते शबीर मुशब्बर नूं ये अबरानी जबान है अरबी कन्वर्ट करोगे फिर इहदा नामाना बनेगा हसन हुसैन मुहसिन। आ कई मरतबा तुसी इश्तिहार नहीं पढ़ते आ शबीर का मातिम है वो शबीर हजरत हुसैन का नाम है अबरानी च। तो अर्ज कर रहे हैं कन्वर्ट किते हैं। इस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम शमाइल अरबी च इस्माइल। अजे बचपना ही सी अल्लाह का हुक्म होया मेरे इब्राहिम जी अल्लाह अपने अकलौते बेटे ते अपनी बीवी नूं जिथे मेरा घर बैतुल लैना उथे छड्डिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लै लिया बेटे नूं बीवी नूं ते जिथे जमजम दा कूह है ना उस वेले ते कूह नहीं सी ना इथे बिठाया ते आप वापस तुर पे। सनीयतुल विदा पहाड़ी दे पिछे आके इधर मुंह करके दुआ करते हैं रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरे ज़ी ज़रअइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सला वजअल अफ़ईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात। अल्लाह सोनिया मैं तेरा हुक्म मन के ते अपनी औलाद नू बीवी नू ऐसी जगह ते छड़ चलिया वा जड़ी गैर आबाद है ना इत्थे बागात ना इत्थे ज़रात ना इत्थे महल्लात ना इत्थे आबादी है। अल्लाह मैं इत्थे छोड़ चलिया तेरे कर दे कोल। अल्लाह सोनिया सब तो पहली मेरी दुआ है वे रब्बना ले यो की मुसला अल्लाह सब तो पहली दुआ इन्हू पक्के नमाजी बनाई। देखो पैगंबरां दी खास तमन्ना ते दूसरी अल्लाह सोनिया ए चुके गैर आबाद जमीन ते ने लोकां दे इधर आन दे को असबाब नजर नहीं आंदे। अल्लाह सोनिया इन्हां लोकां दे दिलां नूं इधर चौंका दे इधर लोकां दा रुझान कर दे इत्थे आ जाम ताकि जगह आबाद हो जाए फिर इन्हां नूं फलां दा रिज़क अता कर दई। अल्लाह पाक ने इब्राहिम दियां तिन्ने दुआवां कबूल फरमा लईयां चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दियां मनियां ते अल्लाह ने अपने बंदे दियां मन लईयां। अल्लाह पाक ने हजरत इस्माईल लायक लायक ते फायक बेटा बना दिता पक्के नमाजी ने। दूसरे नंबर ते लोकां दा रुझान इधर हो गया हजरत इस्माईल दे पैरां दे कोलों जो पानी दा चश्मा जमजम दा जारी होया क्योंकि अरब दे अंदर पानी दी किल्लत है बनू जुर्म दा काफला गुजर रहा ते पानी दी खबर मिली है अच्छे पानी दी वजह तो इन्हां ने अपना कबीला यमन च उठाया इत्थे आके खैमे लाके आबाद होए ते तीसरी दुआ अल्लाह इन्हां नूं फलां दा रिज़क अता फरमाई। हजरत इब्राहिम दी दुआ वेखो अज तक उहदे असरा जाहिर ने कि जिहड़े फल साडे मुल्क दे अंदर पैदा हुंदे ने एडे आला फल इत्थे नहीं मिलदे इत्थों ज्यों चलते ने मक्के जाके मिलनगे। अल्लाह अकबर फल पैदा किते हुंदा ऐसी खिच पैंदी है पहुंच अरब अंदर जांदा।
हजरात तो जड़ी बात मैं इथे करना चाहना वा अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम नू ऐसा लायक ते फायक बेटा अता फरमाया। हुण इथे जड़ी बात करनी है अपनिया मावां ते भैणां नू मैं जरा तवज्जो दे लावांगा। हजरत इब्राहिम ते शाम दे अंदर रहंदे ने, हजरत सारा दे कोल, उन्हां चों भी अल्लाह ने बेटा इसहाक बाद अंदर अता कर दिता। हजरत इस्माइल इथे अपने बाप दे कोल नहीं रहिंदे, अपनी अम्मी दे कोल रहिंदे ने, लेकिन अम्मी ने अपने बेटे दी ऐसी तरबियत कीती, तरबियत अज ते किसे दियां दो बीवियां हो ना ते दोवें मावां चंगियां ढिड भरदियां ने औलाद दा। तेरे प्यो ते सारी उम्र मेरे ते जुलम ही कीता ई, निक्की निक्की गल बच्चियां दे कन्ना वे फूक दिया रहना, ते फिर बच्चे भी हौली हौली ब्लैकमेल करन लग पैंदे कि सानू जरूरत, साडी इहनां नू जरूरत है। नतीजा की निकलदा है, एक वक्त आउंदा फिर मावां रोना शुरू कर दिंदियां ने जिहड़ियां औलाद नू अपने शौहर बच्चियां दे बाप दे खिलाफ तरबीयत करन, ते जिहड़ियां कह ठीक है शौहर दियां मजबूरियां, चलो जो दियां गलतियां अहम ही ने, अगर ते मैं अपनी औलाद का सत्यानाश ते ना करा, औलाद भी अच्छी तरबीयत नहीं बेटा, कुछ भी है तेरे अबू ने, तू उन्हां दे बारे कोई गलत सोच नहीं सोचनी, तेरा बाप है, फिर अल्लाह दा सिला देंदा है। हजरत सर हजरत हाजरा सलामुल्ला अलैहा सलाम, इन्होंने अपने बेटे दी तरबियत अच्छी की है, हालांकि खामा तुम दूर ने ते अब बेटा अपने बाप तो दूर है, लेकिन तरबियत ऐसी कर दिया ने के बच्चा अपने बाप का बड़ा ताबेदार ते फरमा बरदार। तरबियत का असर की होया है, एक वेला आया कि हजरत इब्राहिम खाब के अंदर देखते ने, मैं अपने बेटे इस्माइल नू ज़बां कर रहा हूँ, अपने बेटे दे कुल मक्का मुकरमा आंदे ने, आके कहंदे ने या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फन्ज़ुर माज़ा तरा, ऐ मेरे प्यारे बेटा मैं ख्वाब दे अंदर देखिया तेनू मैं ज़बां कर रहा, चूंकि पैगंबर दा ख्वाब वही है, दस तेरा की ख्याल है, फन जुर माजा तरा, तेरा की ये दे अंदर ख्याल है, की तेरा प्रोग्राम है, यानी मैनू ते अल्लाह दा हुक्म मिलिया, मैं तेनू अल्लाह दे हुक्म अल्लाह दे नाम ते ज़बां करा। हुण बेटा एडा लायक ते फायक बेटा, तरबियत याफ्ता बेटा, आ लगा जे तरबियत का असर जाहिर हो, कहते ने या अबातिफ अलमा तो उमर, अबू जी तुहानू अगर अल्लाह का आर्डर यह मिले है ना, मैनू ज़बां कर दियो ते कर गुजरो, वेख लई बेटा गर्दन ते छुरी चलनी है, बड़ी तकलीफ होनी है, दर्द बड़ी होनी है, ते वादा सोच समझ के करी। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुण कुर्बान जावां, तरबियत दा असर है, मां ने तरबियत कीती है, बेटा तेरा बाप तेनू को भी छड़े ते उफ ना करिए, पंजाबी दा मुहावरा मैं बयान पिया करना वा, मां ने ऐसी तरबियत कीती है, अज तरबियत दा असर लगा जे सामने आण, कहंदे ने या अबातिफ अल मां तो उमर सता जे दोनी इनशा अल्लाह मिन सबरी, ऐ अब्बा जी जो तुहानू अल्लाह दा हुक्म मिलिया, मां तो मारो जो तुहानू अल्लाह दा हुक्म मिलिया कर गुजरो, इंशाअल्लाह वेखोगे मैं सबर तुहानू करके दिखावांगा। आखिर वक्त आ गया, हजरत इब्राहिम बेटे नू लैके मीना दी तरफ निकले ने, ते बेटे नू लटा लिया, फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन,
ਦੋ ਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਟਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਲ ਲਟਾਓ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤੱਲਾਹੁ ਲਿਲ ਜਬੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਲ ਲਟਾਇਆ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਛੁਰੀ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਫੜ ਲਈ ਚਲਾਣ ਲੱਗੇ ਚਲਾਣ ਲੱਗੇ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ مفسر قرآن دا بیان مسند احمد دے اندر فرماندے نے ارے چھری چلائی نہیں ہاتھ اندر پھڑیے تے بیک سائڈ تو آواز آئی بیک سائڈ تو آواز آئی کی آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ وہ آواز اللہ پاک نے دلوائی ہے کسے فرشتے دے ذریعے آواز کی ہے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اے ابراہیم بس کرو تسا اپنے خواب نو سچیاں کر کے وخا دیتا ہے حضرت ابراہیم نے پیچھے پلٹ کے ویکھیا کہ آواز دین والا کون ہے ویکھیا کہ آواز دین والا تے نظر نہیں آ رہا لیکن پیچھے ایک مینڈا نظر آیا ہے حکم ہویا کہ اینو پکڑ کے لٹا کے ذبح کر دیتا جائے ان ھذا لہ والبلاء المبین وفدیناہ بِسِبْغٍ عَظِيمٍ بیٹے نو پکڑ اوپر زیمی لٹا لیا دھواں نے حکم رب دا سینے نال لا لیا اللہ فرمایا جیویں عمل کما لیا ممنن دی کسر چھڈی نہیں حکم فرمایا مولا جبرائیل نو لے جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو دمبے نو پھڑو چھڈو اسماعیل نو دتی آواز اللہ سائیں میرے خلیلا چھڈی کسر نہ کائیاں زباں دے اتے طاقت پوری تو لائیاں بچے بھی کر کے تیری بچے بھی تیرے کر کے ستھری وخائیاں بچے بھی تیرے کر کے ستھری وخائیاں تون ہلائی ذرا نہیں آ میری یا مرضی تیرا بچہ بچا لیا سبع عظیم ہو دی ਥਾਂ ਤੇ ਕੋ ਹਾਲਿਆ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵਖਾ ਲਿਆ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵਖਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਕੀ ਨੇਕਾਂ ਤਾਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬਾਪ ਕਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸਭਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਦੁਆ ਦੀ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਵੀ ਫਰਮਾ ਲਈ ਆ ਜੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਭ
तो पहली दरसगाह मां दी गोदे मेरिया मावा भैन सुस्ती ना करया करन, तरबियत करया करन। चूंकि बाप मसरूफ लोग ने, सुबह उठे नाश्ता किया कारोबारों ते चले गए, हुण ज्यादा नगरानी मां ने करनी है। मैं ये नहीं कहता कि बाप करन ही ना, बाप का भी हक है। शाम नू आए ने खबर लैन, फलाना बच्चा अज किथे रहा है, फलाना किथे रहा है, फलाने की पढ़े है, फलाने की पढ़े है, खबर लैन। जिदी रिपोर्ट होवे मां लाड विच आके खुफिया ना रखे, मां लाड विच आके गल को खुफिया ना रखे, जिस बच्चे ने को बिगाड़ कीता फौरन शोहर नू दसे। बास घरां दे अंदर मावां नालों बच्चे बाप तो ज्यादा डरते हैं, बल्कि बास की अक्सर घरां च ते मां दा हाके ना डर पाती रवे। अज तेरे अबू आ लैन जड़ी कोई गाली कढ़ी है ना, वेख तेरा बंदा की है। बाप दे आन तक उहदे वैसे ही सांह सकाए होण, ते बच्चे नू फिकर पै जाए अज मेरी शामत आनी है, मेरी पटाई होएगी, ते बच्चा एंदा कोई बुरी हरकत करेगा नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि बच्चा उम्र का कच्चा, अकल का कच्चा, फिर को होर किसी किस्म की कमजोरी करेगा, फिर उत्ते डरावा, फिर होर करेगा, फिर उत्ते डरावा। कांट छांट तहजीब तरबियत, फर फायदा की होएगा इंशाल्लाह। ये बच्चे आस्ता आस्ता जो असी चाहते हैं उस मंजिल ते पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आइए एक होर बच्चे की मिसाल पेश करा। इना दे मां बाप भी इना दी तरबियत अच्छी कर देने। इस बच्चे दा नाम है हजरत इस्माइल अले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इना दे अबू अल्लाह दे नबी नीने ते वक्त दे बादशाह ने। बच्चे ने जिस वेले नाश्ता कर लेना, अम्मी ने कहना चल बेटा अपने अबू दी दालत अंदर। वाले साहब चूंकि कचहरी आ जाते ना, फैसले लोगों के करया करते। हजरत सुलेमान अली सलाम अपने अबू की दालत के अंदर आ जाते, वेखते कि किस तरह मुद्दई अपना दावा पेश करता है, किस तरह शहादती शहादत पेश करते ने, मुद्दा लै किस तरह जवाब देता है। ये सारे मामला सुनते थे कई तफसीर वाले लिखिया है। हजरत सुलेमान पैगंबर इन्हों फैसलिया तो इन्ना मुतासर हुए। चूंकि बच्चा वीडियो कैम जो देखेगा रिकॉर्ड करेगा, जो देखेगा रिकॉर्ड करेगा। बाप जेड़ा भी कारोबार कर रहे हैं ना, बच्चा वेखो वेखी वो करन लग पैंदा आस्ता आस्ता। तुस अक्सर बच्चे वेखे ने देखा देखी करन लग पैणगे। हजरात उन बात ते तवज्जो फरमा दे डाया। जे बच्चा के वीडियो कैमरे दी हसीयत रखदा है, तुहाडी एक एक बात नू नोट करेगा। हजरत सुलेमान पैगंबर इन्हां फैसलियां नू नोट करदे ने। अपने जदों हम उम्र बच्चियां वे जांदे ने, उन्हां नू कहंदे ने लियाओ भाई तुसीं अपने अपने झगड़े मेरे कोल लैके आओ। झगड़े लैके आंदे ने ते हजरत सुलेमान इन्हां दे फैसले करिया करदे ने। साढ़े को आ जाके कोई गेल गेम रह गई है, कुछ भी ना हथी लिया के देना, आ बल्ला आ गया ही ते आ गेंद आ गई आ। जिमें दूसरे खेल देने तू भी खेल, सत गाल इनू ते तीन गाल उधरों आई, चार इधरों आई। अल्लाह अकबर। खेल जायज ने, मैं ये नहीं कहता खेल, लेकिन ऐसिया खेल जड़िया अल्लाह के जिक्र तो ही गाफिल कर दे। क्रिकेट का कि मैच लगा हो ना जुमा याद रही, ना नमाजा याद रही ने साडे नौजवानों। नौजवान तो बड़ी दूर की गल है, कई मौली साहबान का हाल है। मैंने एक मौली साहब के बारे खबर मिली, आई साहब आकर मौली साहब टाइम हो गया है 12:30 हो चले ने, आप देखो पौना एक हो गया जे, आ बस आई साहब आ एक छिक्का वेख लेंदे हो। और जुमे तो फारग होना कहा जी तुहानू भी छिक्का, बस अगले जुमे एक होर जगह इंतजाम करे। आ जाए मैं कहना आम तो आम
ਸਾਡੇ ਕਈ ਉਲਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਹਰ ਰਿਆ ਜੇ ਕਰੀਕੜ ਜੇ ਮੁਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਤੋਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੌਲੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹ ਰਾਜਿਊਨ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਰਥ ਕੋਲ ਡਰਾਮਾ ਬਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਕੋਲ ਡਰਾਮਾ ਸਲਫੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਕੋਲ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀ ਇਜ਼ਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਇਜ਼ਮ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੇ ਵਜੂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੂਦੀ, ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ, ਵਹਦਤੁਲ ਸ਼ਹੂਦ ਤੇ ਹਲੂਲ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਮਵੱਖਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗਰਾਮੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਫਹਿਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਫਹਿਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਮੁਕਦਮਾ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਵਾ ਸੁਲੈਮਾਨ ਇਸ ਯਹਾਂ ਕੋਮਾਨ ਫਿਲ ਹਰਫ ਇਸ ਨਫਸ਼ਤ ਫੀਹ ਗਨਮ ਅਲ ਕੌਮ ਵਾ ਕੁੰਨਾ ਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾ ਕੁੰਨਾ ਲੇ ਹੁਕਮ ਗਮ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਫਫਹਮਨਾ ਸੁਲੈਮਾਨ ਵਾ ਕੁੱਲਨ ਆਤੈਨਾ ਹੁਕਮਮ ਇਲਮਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੂਰਾ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕਦਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਤਦਰਕ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਬਣਦਾ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਤਨਾ ਇਤਨਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਬਾਂਸ ਜਾਂ ਔਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਜੜ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੱਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ ਕੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਖੁਰਾ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਨਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਰਦੀਆਂ ਇਜ਼ ਨਾਫਾਸ਼ਤ
नफशत, रात के टाइम जानवरों का चरना नफशत। चूंकि रात अल्लाह ने बनाई है आराम दे वास्ते, वो आराम प्या करदा है, ते तुहाड़ियां बकरियां पईयां ने सरासर ज़्यादती तुहाड़ी है, जुर्म तुहाड़ा है, लिहाजा एदा सजा की है, तुहाड़ियां बकरियां सारियां बाग वाले नू दे दित्तियां जाणगियां। बकरियां मंगवाईयां सारियां बाग वाले नू पेश कर दित्तियां। सुलेमान अलैहिस्सलाम ए लगा जो तरबियत दा सरो, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अबू जी, जी बेटा, कुछ गुंजाइश भी है? हाँ बेटा, दसो। उम्र कितनी? 11 साल। कुछ गुंजाइश है? जी है। हजरत सुलेमान पैगंबर अर्ज कर देने, अबू जान इस तरह करो, ये फैसला तुहाडा ठीक है, लेकिन बकरियां हमेशा दे वास्ते इन्हां नूं ना दित्तियां जान। इस तरह करो कि बाग बकरियां वाले दे हवाले कर दियो, बकरियां दा मालिक बाग दी निगरानी करे और बकरियां बाग वाले नूं दे दियो। चूंकि उन्हां दा बाग बिल्कुल तैयार सी, हुण फायदा देण दे करीब सी, फल उतरन वाला सी, इस तरह करो कि बकरियां बाग वाले नू दे दियो, ओ बाग तो ओ बकरियां तो फायदा उठाए, दुध इना दा सेल करे, बकरियां बाग वाले नू दे दियो ते बाग बकरियां वाले नू देवो। बकरियां वाले नू कहो कि बाग दी निगरानी करया करे, आखिर जो बाग इसे नोइयत ते आ जावे, हालत ते आ जावे, जेड़ी हालत ते उजड़े है, फिर बकरियां बकरियां वाले नू दे दिया जे, ते बाग बाग वाले नू दे दिया जे। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम कहन लगे, बेटा है तू बच्चा है, लेकिन तेरा मशवरा बहुत अच्छा है। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे दे मशवरे नू फैसला बना के ते नाफिज कर दिया। अजे तरबीयत का असर, तुम भी अपने बच्चों को तरबीयत करो। वेखो ना, अच्छे माहौल में जान की वजह तो तरबीयत हुई। अपनी औलाद नूं ये तरबीयत अपनी औलाद दी करिया करो, बेटा बुरियां महफलां ते बुरियां मजलसां दे अंदर नहीं जाना, अच्छियां लोकां दे नाल रहना, नमाजियां दे नाल रहना, दरस होवे ते उस मजलस दे अंदर जाना है, जिथे ऐसा तरह दा अच्छा माहौल होवे, अच्छे माहौल में जाना है। क्योंकि सोसाइटी का बड़ा असर पैंदा है, बंदे की तरबीयत ते बहुत असर पैंदा है। और हजरत सुलेमान मशहूर वाक्य है, वो जड़ा दो बीबियां अपने अपने बच्चे उठा के जा रही सन, एक दा बच्चा रस्ते च बघियाण लै गया, ते दाऊद अलैहिस्सलाम दे कोल आईए, वड्डी चूके चर्ब जबान है ते तरार है, ते छोटी है नी ते तरार नहीं, वड्डी ते तरारी दे अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम नू कायल कर जांदी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बच्चा बड़ी नू दे दिता है, हालांकि बच्चा छोटी दा सी, हुण दोनों जा रही ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रस्ती अंदर मिले ने, की गल है के फैसला अच्छा होया के नहीं? ते छोटी कहती है, बच्चा ते मेरा सी, ले लै गई है वड्डी गल्लां बातां करके। हजरत फरमांदे ने, आओ मेरे अबू दे कोल वापस आओ। फिर आके अबू अगे दरखास्तां करदे ने, अबू जी को गुंजाया शहबाद दी, फरमाया बेटा दस। अबू जी मैनू इजाजत दिती जाए। हजरत सुलेमान ने छुरी मंगवाई, छोटी कहन लगी, की करन लगे हो नबी साहदे, ए तू कहनी है मेरा है, वो कहनी है मेरा है, ते मैं छुरी ना दो टुकड़े कर देना, अद्धा तू रख ले, अद्धा वो रख ले। ते जड़ी सी ना वड्डी चरब जबान, वो कहती है बिस्मिल्ला करा, नबी जादे दा फैसला मोड़ सकनी हाँ मैं। वेखो फिर दाल आ गई, नबी जादे दा फैसला मोड़ सकनी हाँ मैं। ते छोटी रो के कह लगी, हजरत इनू ही दे दियो,
अबू जी कुछ महसूस किया ने ये बच्चा वड्डी दा नहीं, ये बच्चा ओदा जिदे कलेजे नू हाथ पे है। इतनी बड़ी आला बसारत, बचपन में फैसलों की सलाहियत, ये पीछे असर की है तरबियत का। इस वास्ते मैं अर्ज करांगा अपने बच्चों की तरबियत करो, तरबियत याफ्ता बच्चे हो जाएंगे तुहाडी दुनिया भी सौर जाएगी, तुहाडी दुनिया भी सौरेगी ते तुहाडी आखरत भी सौर जाएगी। हजरत सैयद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हो ये भी बच्चे ने, मैं गल सारी बच्चों की करन रहा, बच्चे ने एक सफर दे अल्लाह दे रसूल अली सलाम दे नाल गए ते दौराने सफर दो बंदियां दी लड़ाई होगी, मुहाजर दी अंसारी दी। हुण दोनों ने अपने अपने कबीलियां नू बुला लिया, अंसार ने अंसार नू बुलाया के मुहाजर मेरे ती ज़्यादती करदा ते मेरा तामन करो। मुहाजर ने अपने मुहाजर साथियों नू बुलाया, अंसारी मेरे ती ज़्यादती करदा मेरा तामन करो। आखिरकार जिस वेले ये खबर अब्दुल्ला बिन ओबई मुनाफक नू पहुंची है, वो की कहना ला तुन फेकू अला मन इंद रसूलिल्लाह इस तरह करो। वेखो ना के साडे टुकड़ा ते टुकड़िया ते पलन वाले, साडे तावन ते पलन वाले सानू ही मारन लग पे ने, ते इंज करो इन्हां नू खर्चा देना बंद कर देवो, आप ही ये दौड़ जाएंगे। फरमांदे ने मैं ये बात जड़ी है अपने चचा हजरत साद बिन उबादा तक पहुँचा दी थी है। साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हो अंसार दे कबीले दे सरदार ने, हजरत साद बिन उबादा ने बाल अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर नू सुना दीती है, ये सोनिया अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफक ने तुहाडे बारे बात कही है। मेरे पैगंबर ने अब्दुल्ला बिन उबई नू बुलाया ते सोने पैगंबर ने पूछया तू ए गल कही है, कहिंदा जी नहीं 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 बच्चे नू भलेखा लगा होएगा, मैं ते गल ऐसी कीती नहीं, कसमा उठान लग पे है। फरमाया कुराने पाक आ गया ऐसा जा अकल मुनाफिकूना कालू नशा तो इन्ना का लरसूलुल्लाह वल्लाहु यालमु इन्ना का लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लगाजिबु। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर दे कोला के कसमा उठा रहे आए, नहीं नहीं मैं गल नहीं कीती। हजरत सैयद बिन अरकम कहंदे ने मेरे चचे ने मेनु बड़ा झिड़किया, या तू चंगा बंदे कच्ची खबर सुनाई आ, मैं अल्लाह दे रसूल तक पहुंचाई है वो कसमा उठा गया है ते मैं भी झूठा गर्दाने आ गया। जनाबे ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हो जिन्हां दी तरबियत इस्लामी हुई सी के पैगंबर दे खिलाफ ते शरीयत दे खिलाफ को गल नहीं सुननी, तकलीफ जरूर हुई है लेकिन बिल आखर तरबियत याफ्ता भतीजे ने चाचे दा सर फखर ना बुलंद कीता है, ये तरबियत दा असर। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने आखिरकार मैं इन्ना परेशान हो गया, मैं अपने घरों बाहर नहीं पा निकलदा, मदीने विर वापस आके मैं अपने घर रहना वा। ये वेखो गल ते अब्दुल्ला बिन उबई ने कीती है लेकिन कसमा झूठियां उठा गया है, मैनू झूठियां कर दिता गया है। फरमांदे ने आखिर अल्लाह ने कुरान उतारिया सुनिया ये झूठे ने झूठियां कसमा उठाते ने। जिस वेले कुराने पाक आया ते कुराने पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया इन्हां ने गल कही है हुमुल्लज़ीना यकूलूना ला तुन्फिकु अला मन इंद रसूलिल्लाह
يَنْفَزُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ सोनिया इन्होंने गल कही है सैफ बिन अरकम सच्चा बच्चा है जानी गल उन्हें कही इन्होंने वाकिया कही सी कि नबी दे साथियां ते खर्च करना छड़ दियो आप ही नबी नू छड़ के ते दौड़ जाएंगे फिर इन्होंने ये भी गल कही है यकूलू नला इर्रचा अना इलल मदीना ते ला युखरे जन्नल आज़ो मिन हल अजल फरमाया इन्होंने ये भी गल कही मदीने में जावांगे असी इस्तां वाले नजरीला नू कर देंगे हुण अल्लाह पाक ने कुरान उतार के ते हजरत ज़ैद बिन अरकम दी सच्चाई नाज़िल कर दीती है ज़ैद बिन अरकम है ते बच्चा लेकिन इस्लामी तरबियत तो ही है के नबी दे खिलाफ सियापा दे खिलाफ अल्लाह दे खिलाफ को गल नहीं सुननी वो गल नू अगे पहुंचाना है ताकि ओदा को सत्ते बार कर दिता जाए तरबियत याफ्ता बच्चे दा किन्ना फायदा होया है तरबियत तो ही है आज फायदा हो गया है कि बच्चे दे खबर देम दे नाल इबने उबई दी मुनाफकत जार हो गई है तरबियत याफ्ता बच्चे जिन्ना दी तरबियत हो जाए दुनिया ते भी फायदा मां बाप नू फायदा भैन भरावां नू फायदा खानदान नो फायदा दीने इस्लाम नो फायदा तरबियत याफ्ता बच्चियां दा इबने उबई बड़ा गंदा ही पांडा सी अंदरों सी खोटा युतो मुस्लिम सदांदा सी नबी ते सहाबा ताई बड़ा ही सतांदा सी दीन ईमान रती नहीं आखे अनसारों तुसा बुरा कमाया है अपने शहर तुसा नबी नू बुलाया है भुखे ते नंगे कठे कर ले आया है सानू भी खान देंदा नहीं आज ही कठे करो सरदार असीलानों करके सला कड़ो इन जलीलानों चलो खां शहर सिद्धे पन दलीलानों नित दा रट्टा चंगा नहीं आज ही कठे करो नबी ते सहाबा बाने करदा बकवास आ जल्दी तो जल्दी कड्डो आखे खन्नास आ ज़ैद बिन अरकम खड़ा उस दे पास आ सुनदा है गल ओदे ताई गुस्से दा भरिया पास नबी दे आमदा गुजरिया हाल सारा आखो नामदा वो सब नू जलील आखे फर्क ना पामदा दिलो ईमानदार नहीं हजरात दसना की का नाम है ते बच्चा है लेकिन तरबियत याफ्ता है तरबियत याफ्ता बच्चे दा किन्ना फायदा होया और बच्चे ने बगैर किसे डर दे खबर पहुंचा दीती है वक्ती परेशानी ते होई है लेकिन फायदा की होया है एंदा दे वास्ते इस मुनाफक दी मुनाफकदार हो गई है देखो मैं अर्ज बार बार करना मां बच्चियां दी तरबियत करोगे ते बच्चे फायदा मां साबित होंगे एक होर बच्चे दी बात मैं तुहाडे सामने कर लगा मां हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अनहो जदों इन्हां दी उम्र 6 साल दी होई मदीने दे अंदर जिहड़ी जंगे बवास होई है बड़ी मारूफ जंग बड़ा कतल होया इहदे अंदर इन्हां दे वालिद इन्हां दे वालिद दे अंदर कतल हो गए ने इन्हां दी 6 साल दी उम्र है आखिरकार जदों 11 साल दे होए ने ते मेरे पैगंबर ने
जनाबे मुसब बिन उबैर नो मदीना ए पाक दे अंदर भेजे आए। हजरत मुसब बिन उमैर नो अल्लाह ने आवाज बड़ी अता फरमाई है, कुरान बड़ा प्यारा पढ़िया करते ने। हजरत मुसब बिन उमैर नो अल्लाह ने गल समझाने दा बड़ा अंदाज बख्शे है। घर बैठे सन मेरे शेख हाफिज गुलाम कादर साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला को गल बात छड़ पई कि कई लोग होंदे ने जेड़े बिल्कुल झूठे नजरियात दे हामिल, लेकिन उन्होंने चंद पॉइंट पढ़ा दिते जाते हैं। तुसां जिहदे नाल गल करनी है इस मौजू ते गल करनी है, बस ए पॉइंट बयान करने हैं, ते उन्हां पॉइंटां तो जरा को ना हटा लो ते कख पले नहीं हुंदा। ते हाफ साहब ने फिर दो तीन अपनियां मिसालां बयान कीतियां कि गल करन दा अल्लाह ने अंदाज बख्शिया इन्हां नूं। उन्हां फिर दो तीन मिसालां दित्तियां कि इस अंदाज नाल गल कीती ते अल्लाह ने आ असर उत्थे पाया। इस तरह कई बंदियां नूं ना अल्लाह गल करन दा अंदाज दे, गल उही हुंदी है, उही मैं करनी है, उही मौलाना हाशिम रहीम साहब ने करनी है, मौलाना हाफिज़ तैयब साहब ने करनी है, मौलाना दरान असद साहब ने करनी है, लेकिन उही गल हाफिज गुलाम कादर साहब ने करनी है। साढ़े करन दा अंदाज और इन्हां दे समझाउण दा अंदाज, इस तरह अल्लाह कई बंदियां नूं गल करन दा अंदाज बख्श देंदा है। अल्लाह ए मलका हर मेरे मुबल्लिग ते खतीब नूं अता फरमाए, आमीन कह दियो। अल्लाह अकबर, गल करन दा अंदाज। हुण जरा बात तवज्जो फरमांदे जाया जे, हजरत मुसब बिन उमैर नू अल्लाह ने बड़ा अंदाज बख्शिया गल करन दा कि इन्हां दी तबलीग दे नाल मेरे पैगंबर दी मदीना तशरीफ आवरी तो पहला ही मदीने दे दो बड़े कबीले औस ते खजरज दे कसीर तादाद दे लोकी मुसलमान हो चुके ने। नबी पाक दी तशरीफ आवरी तो पहला ही मुसब बिन उमैर दी तबलीग नाल मदीने दे लोग मुसलमान हो गए। इन्हां दे अंदर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बच्चा सा 11 साल दा है, इन्हें भी ईमान ले आंदा इस्लाम कबूल कर ले आए, लेकिन इस बंदे दी ऐसी तरबियत हुई है जदों इस्लाम कबूल कीता है हजरत मुसब बिन उमैर ने ऐसी तरबियत कीती है, इन्हां नूं अल्लाह ने हाफजा बड़ा ता कर दिता है। ते हाफजा हजरत हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं आप साहब नूं पुछिया, मैं कि आप साहब तुहाडा माशाल्लाह हाफजा बड़ा है, जिहड़ी चीज पढ़ते हो याद कर लेंदे हो, ते हाफजा तेज करन वास्ते कोई नुस्खा ही दसो, कोई वजीफा दसो। मौली साहब हाफजा तेज करन वास्ते खुद एतमादी पैदा करो, किड्डा प्यारा नुस्खा, खुद इतमादी। नंबर दो, मेहनत करो, जेहन बनाओ। मसला मैं हिफज कर लगा, आज मैं एक रकू पूरा हिफज करना, कुछ भी हो जाए मैं उन्हें उठना ही नहीं, इन्हों पूरा करके कहते जो तो आ जेहन बनाओगे हाफजा आप ही तेज हो जाएगा। तो जो अभी पढ़ना किताब अगे पही है ख्याल कितने होर जगह पे वे तो फिर हाफजा उ करेगा। अल्लाह अगर चे ठीक है, गजाइयत का भी फर्क होंदा है, कोई शक नहीं, ये सब का हाफजा एक जैसा भी नहीं होंदा, ये भी मैं मानना, लेकिन यह जो हाफसा ने नुस्खा दसिया ना ये भी खैर तो खाली नहीं, खैर ये अंदर बहुत बड़ी। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इन्हां नूं अल्लाह ने हाफजा बना दिता है, लेकिन हाफजे दे नाल नाल इन्हां दी खुद एतमादी भी अपने ते बड़ी है और मेहनत भी ये बड़ी करिया करदे ने। हजरत ज़ैद बिन साबित ने कई सूरतां याद कर लिया ने, जदों मेरे पैगंबर तशरीफ ले आए ने इन्हां नूं बच्चे नूं मेरे पैगंबर के सामने पेश कर दिता जांदा है कि आ वेखो बच्चा छोटा है, छोटी जी उम्र अंदर इनिया सूरत याद करके आए। बच्चे ने सुनाइया
ते नबी पाक अलीशरा हदीस में चौंदा नबी पाक ने उदे हाफजे ते ताजुब कीता उदे हाफजे ते ते नबी अलीशरा हुण तरबियत याफ्ता लगा बच्चा फायदा पहुंचाण नबी पाक अलीशरा फरमांदे ने ज़ैद जी आका फरमाया तेरा हाफजा बड़ा अच्छा है इनका यहूदियां दियां बोलियां पढ़ लै यहूदियां च दो बोलियां चल दियां सन अबरानी सरयानी बोलन वाली अबरानी लिखन वाली सरयानी ये तुहानू समझ नहीं इस तरह आनी तुहाडे चो किसे ने आड़े कलीन बुणदे ना खड़ियां ते कलीन ये वेख्या होना कई ने पता जे अगे कागज पिया हुंदा उत्ते तालम लिखी हुंदी है तालम वो लिखाई वेखो ना ते तो इंज लगेगा जिवें हिंदी लिखी है अलिफ बा ता सा रूफ तजी वाली लिखाई नहीं हुंदी उहदे च लिखाई लिखण वाली बोली होर पढ़न वाली होर हुण जिहड़ा पढ़दा ना पिया तालम जिहड़ा पढ़ रहा है वह लिखाई जिहड़ी हिंदी दी शकल लिखी है लेकिन पढ़ता पंजाबी चे उर्दू चे आ दो मोतिये दे जरा दो मुश्की दे लिखण वाली होर पढ़न वाली होर इस तरह यहूदियां दा तरीका सी लिखण वाली होर पढ़न वाली होर अल्लाह दे सोने पैगंबर इरशाद फरमांदे ने ज़ैर यहूदियां तो मैनू खतरा चूके कौम बड़ी धोखेबाज कौम है साड़ी चूके इन्हां नूं खतो किताब चलनी है ते इनकर इन्हां दियां बोलियां सिख लै किते सानूं किसे गल अंदर दा ना लाण हजरत ज़ैद कहिंदे ने सोणिया ठीक है हजरत ज़ैद ने 17 दिन अंदर इन्हां दियां दोवीं बोलियां सिख लईआं किन्ने दिनां च बोलो किन्ने दिनां च 17 दिनां विच दोनों बोलियां लिखण वाली भी सिख लई बोलण वाली भी सिख लई हुण किन्ना फायदा दित्ता इस्लाम नूं जदों किते यहूदियां दे खतूत आंदे जांदे हजरत ज़ैद चैक करदे किते दांत नहीं ला रहे हज़रात ऐ मैं अर्ज कर रहा कि ऐ फायदा हुंदा जे तरबियत याफ्ता बच्चियां दा फायदा हुंदा है इस वास्ते अपने अपने बच्चियां दी तरबियत करो तरबियत करो आई एक होर मैं बच्चे दी बात सुना देवां तुहाडे सामने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ए अबिल्लहम दे गुलाम ने आबिल्लहम आबी इनकार करने वाला इसमें फायदा सी गया लहम गोश्त गोश्त का इनकार करने वाला इन्हों का नाम जड़ा ना ये अब्दुल्ला सी अबू अबैद को नहीं सी लेकिन अबू लहम मशहूर हो गए इस वास्ते मशहूर हो गए कि जमाने जहलीयत के अंदर जड़े लोग की बुतों के नाम से जानवर ज़बह करते ये निशर खाते वह कहते हैं गोश्ती बोटियां नहीं खा रहा कहते नहीं मैं यह जो गोश्त तो रहा जो तुम अल्लाह को छड़ के दे बुतों के नाम से ज़बह कर रहे हो इन्हां दी फिर अल पक गई अबिल्लहम गोश्त का इनकार करने वाला इन्हां दा मौला मौला कहते ने जो गुलाम है उन्हें आजाद कर दिता जाए आजाद करता गुलाम को मौला कहते हैं क्योंकि रिश्ता है विला मालिक दे नाल कायम हुंदा है जिन्हें उन्हें आजाद किया हो रिश्ता विला यह हुंदा है अगर उस गुलाम की जिन्हों आजाद किया उसकी औलाद नहीं अगर वह फौत हो जाएगा उसके सारे साजो समान का वारस यह बंदा होएगा जिन्हें उन्हें आजाद किया इन्हों आंदे रिश्ता विला फिर वह आजाद करता गुलाम ये खानदान का फर्द ये घर तक फर्द गिनया जाएगा चूंकि वारस मारूस बन गए हैं ना इस वास्ते नबी अली सलाम दे आजाद करदा गुलाम नबी पाक दे अहले बैत वे शामिल ने अल्लाह अकबर तो बात अर्ज कर लगा
हजरत उमर जेडे अबी लहब दे गुलाम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बात सुनिया जे तरबियत है छोटी उम्र है तरबियत है। हजरत उमर फरमांदे ने मेनु शौक आया कि मैं भी जंग ते जाना है जिहाद ते जाना है ते कहिंदे ने मैं अल्लाह दे रसूल अली सलाम तो इजाजत लई अल्लाह दे रसूल जी मैनू भी इजाजत दिती जाए जंग ते जान दी जिहाद ते जान दी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जातां दे दित्तियां ने बच्चा शौक रखदा है फरमांदे ने तलवार मेरे गल च पा दी मेरे माल मौला ने मेरे मालिक ने ते तलवार मेरा कद छोटा ते तलवार लंबी तलवार जमीन ते लटकदी जाए करीस घसीटदी जाए। ते नबी पाक ने मेरे वल वेख्या ते नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरान लग पे। हजरात दसना की कहना वा बच्चों की जो तरबियत की जाए उस बच्चे हालां बचपन उम्र खौफ नहीं आया कि मैनू उत्थे कोई शहीद कर देगा उत्थे मैनू कोई जख्मी कर देगा तलवार मार के। इस बच्चे की तरबियत का असर तरबियत की गई है कि उम्र भी बचपन है लेकिन जिहाद का शौक गलब आ गया है। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा कि जिमें हजरत रब्बानी साहब फरमा गए ने बच्चों की तरबियत की जाए जो बच्चों की तरबियत की जाएगी फिर बच्चे तरबियत याफ्ता बन गए। जेड़ा बच्चा तरबियत याफ्ता होएगा वो बच्चा तुहानू दुनिया ते भी फायदा देवेगा दीन दा भी फायदा देवेगा कयामत दे दिन भी फायदा देवेगा। कयामत दे दिन तुहानू फायदा की देवेगा ये मां बाप दुनिया तो चले गए ने मेरे पैगंबर इरशाद फरमांदे ने ये बंदे दी सब तो तैयब कमाई की है तैयब कमाई औलाद है। औलाद जेड़ा भी कोई नेकी दा काम कर दिए कोई भी नेकी दा काम कर दिए औलाद जदों भी कोई नेकी दा काम कर दिए ते रब्बुल आलमीन बगैर औलाद दे कहन दे मां बाप नू ओदा सवाब अता कर देंदे ने। औलाद नू सवाब मिल गया नेकी करन दा ते वाले दैन नू सवा मिल जांदा एक कमाई दा। एह तरबियत याफ्ता बच्चियां दा फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अपनियां औलादां दी अपने भैन भाइयां दी तरबियत अच्छी करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साड़ी दुनिया बेहतर बनाए आखरत बेहतर बनाए। अल्लाहुर रहमान ये जो सिलसिला दुरूस दा शुरू कीता है हाफिज मुहम्मद तैयब साहब उन्होंने रफाका साथियों ने अल्लाह इनू अपनी रहमत दे नाल कामयाब फरमाए और रब्बुल आलमीन हाफिज मुहम्मद तैयब साहब की वालिदा मोहतरमा जिन्हों का सदका जारिया ने उन्होंने उन्होंने कबर जन्नत का बाग बनाए। रब्बुल आलमीन अपनी रहमत दे नाल उन्होंने करवट करवट अपनी रहमत का साया और जन्नत फिरदौस दा दाखला नसीब फरमाए। साढ़े भाई अबू सुफियान रहमानी साहब के वालदे ग्रामी बीमार अल्लाहुर रहमान उन्हां बुजुर्गों नूं सेहत कामिला आजला ता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا عطا فرما اللہ ساڈے بھائی ابو سفیان دے والد گرامی نو صحت کامل عاجل عطا فرما اور بھی جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا عطا فرما जितने मोमिन मवखिर तेरे बंदियां बंदे दुनिया तो चले गुना दियां कबरां जन्नत दे बाग बना। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल अपने फजल दे नाल इस गाँव दे जितने नौजवान दीन पढ़े ने या अल्लाह इन्हां नूं अपने दीन वास्ते कबूल कर लै इन्हां कोलों ज़्यादा तो ज़्यादा दीन दा कम लै। अल्लाह इन्हां नूं अपने दीन दे हीरो बना जो तेरे दीन दा कम एक मिसाली तौर ते करन।
या अल्लाह दुनिया आखर साड़ी बेहतर बना, अल्लाह से अपने करनों अपनी तौहीद दा अज़ीम मरकज़ बना, आबाद करन वाले दा करन आबाद फरमा। या अल्लाह जिस तरह तेरे करनों टैलां लाइया पत्थर लाया वसी करन दा प्रोग्राम, अल्लाह इन्हां सारियां दे घरां दे विच अपनियां रहमतां दियां रौनकां ला, अपनियां बरकतां दियां रौनकां ला, दुनिया आखरत बेहतर बना। अल्लाह दूर तो करीब तो जितने हबाब तशरीफ लियाए सब दा आना कबूल फरमा, जिन्हां दोस्तां समयईन वास्ते अल्लाह दे परौणियां वास्ते खाने दा इंतजाम कीता, अल्लाह उन्हां दियां तमाम जायज़ हाजात पूरियां फरमा। या अल्लाह हर नेमत अता करी किसी चीज़ की थोड़ ना आन दई। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर।